के कोर्सेज वगैरह हैं। लैंग्वेज कोर्स पे जो है कि मैं एक काफ़ी लोगों का जो ये क्वेश्चन होता है कि वहाँ पर हम कौन कौन सी जो है कि लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो अगर आप चाइना में जा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स अभी अभी कॉलेज से जो है कि फ्री हो गए हैं या जिनके एग्ज़ाम वगैरह होंगे, व्हाट्सएप का ऑप्शन मौजूद है, आप जो है कि व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चलते हैं आगे की तरफ। जनाब तो आज की जो वीडियो है वो चाइना से रिलेटेड है, चाइना में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और ख़ास तौर पे मेरी ये वीडियो यंग जनरेशन या जो स्टूडेंट्स अभी अभी कॉलेज से जो है कि फ्री हो गए हैं या जिनके एग्ज़ाम वगैरह होंगे और अभी जो है कि फ्री होंगे और वो बैचलर वगैरह करना चाहते हैं, अगर तो वो पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं या इंडिया के अंदर करना चाहते हैं, मतलब अपने होम कंट्री में करना चाहते हैं, फिर तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर उनके ड्रीम्स हैं कि वो किसी फॉरेन कंट्री में, लाइक अगर वो चाइना में जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये जो वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और अगर जो है कि आप कंप्लीट ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कि आपका इसमें एडवांटेज है। जनाब तो बात कुछ इस तरह से है कि चाइना की मुख्तलिफ़ सिटीज़ की मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े ऊपर के लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने जो है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है कि अनाउंस की है और वो कम्प्लीटली तौर पे जो कम्प्लीट उसका पैकेज है वो फ्री है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि आप अगर बैचलर करना चाहते हैं या कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो है कि एक तस्वीर पिक्चर आपके सामने जो है कि मेंशन करूँगा, उसके ऊपर कुछ जो है कि फील्ड्स वगैरह लिखी हुई हैं और उसके अलावा काफ़ी जो है कि फील्ड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा भी कई किस्म की इंजीनियरिंग और कोई डिप्लोमास, उसके अलावा लैंग्वेज के कोर्सेज वगैरह हैं। लैंग्वेज कोर्स पे जो है कि मैं एक काफ़ी लोगों का जो ये क्वेश्चन होता है कि वहाँ पर हम कौन कौन सी जो है कि लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो अगर आप चाइना में जा रहे हैं तो जनाब आप वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ना वो सीख सकते हैं ईज़िली। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और कंट्री की जो है कि लैंग्वेज वगैरह जो है कि सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऐप मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं या उर्दू में अच्छे हैं तो आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर लें और जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं वो भी आप जो है कि सिलेक्ट कर लें, तो उस ऐप पे आपके दोनों तरफ से जो है कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और वहाँ पर जो है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो उर्दू सीखना चाहते होंगे और वो चाइना से बिलोंग करते होंगे, आप उनसे चाइनीज़ सीख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कोरिया से बिलोंग करते हैं, वो उर्दू सीखना चाहते हैं, आप उनसे कोरियन सीख सकते हैं, उनको उर्दू सिखा सकते हैं। मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कंट्री में आपने कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है घर बैठकर, तो ये ऐप जो है कि ऊपर आप देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो लैंग्वेज कोर्सेज अगर आप चाइना में करना चाहते हैं तो चाइनीज़ आप सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बैचलर वगैरह करना चाहते हैं, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं या ऊपर, अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन मौजूद है, आप जो है कि व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा और कम्प्लीटली तौर पर आपका जो एडमिशन है उसके बिल्कुल थोड़े से ना होने के बराबर चार्जेज़ हैं, कोई एजेंसी की फीसेज वगैरह नहीं है। और जो चार साल का आपका कोर्स है या ये लैंग्वेज वाला एक ईयर जो है कि ये सेपरेट होता है, इसको अगर इंक्लूड करेंगे तो 5 ईयर, मतलब 5 ईयर्स का कंप्लीट जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और कम्प्लीटली तौर पे आपके वहाँ पे स्कॉलरशिप होगी अगर आप क्लास में जो है कि परफॉर्म करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो है कि क्वेश्चन होता है कि चलें ठीक है, स्टडी फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, इसके अलावा वो स्टाइपेंड वगैरह या कोई और स्कॉलरशिप्स वगैरह हमें देंगे? जी हाँ, ज़रूर आपको वो कम्प्लीटली तौर पे और भी स्कॉलरशिप्स देंगे, लेकिन उसके लिए आपका हार्ड वर्क ज़रूरी है, आपकी क्लास की जो अटेंडेंस है वो पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा 2-3 और रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो कम्प्लीट होनी चाहिए, टीचर के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको जो है कि अलहदा से सेपरेट जो है कि आपको
जो है कि और ज़्यादा स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, जिससे आप जो है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस ये हैं जो भी हैं, या आपके खाने के हैं, फूड के हवाले से हैं, या जो भी हैं, आप खुद जो है कि मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप MPhil के स्टूडेंट हैं या PhD के स्टूडेंट हैं, बल्कि आप बैचलर के स्टूडेंट भी हैं तो आपको जो है कि ये स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं वहाँ पे। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वहाँ पे कितना कैलिबर शो कर रहे हैं, आपकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, आपके टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, आपका आपके फेलोज के साथ बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ों को वो सामने रखते हुए जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं और काफ़ी लोग जो है कि इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो आप इससे रिलेटेड ये स्क्रीन पर ऊपर आपको जो है कि मेरा जीमेल जो है कि शो हो रहा है, आप यहाँ पे मुझे जीमेल कर सकते हैं, या ऊपर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आप फेसबुक पेज पर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मेरा व्हाट्सएप दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कम्प्लीटली तौर पे जो है कि कोशिश करूँगा आपको डायरेक्टली तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर हैं उनके साथ डायरेक्ट कर दूँ, और ये मैं आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ और बाद में भी मेरे यही जो है कि वर्ड्स हैं कि आपको वहाँ पर कोई फीस वगैरह जो है कि दरकार नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कम्प्लीटली तौर पर, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो पर देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है, और अगर आप जो है कि बाद में देखेंगे या मेरे से कांटेक्ट करेंगे फिर भी यही ही है, मतलब आपकी कोई वहाँ पे फीसेस वगैरह नहीं है, सिर्फ एक फीस आपको रिक्वायर है वो है इसकी एडमिशन की फ़ीस, और वो कोई जो है कि लाखों में नहीं है, वो कुछ फ्यू थाउजेंड्स हैं जो आपको जो है कि इधर अभी स्टार्ट में पे नहीं करनी, बाद में जाके जो है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपने खुद जाके यूनिवर्सिटी में जो है कि उसको पे करना है। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए थोड़ा सा मेरिट जो है कि वो रिक्वायर है, तो वो आपकी जब लिस्टें वगैरह या रिज़ल्ट कार्ड वगैरह जो मार्कशीट आएंगी कि उनके मुताबिक जो है कि मैं आपको बता दूंगा। अगर फिर भी कोई इसमें क्वालिफाई नहीं करता तो देखेंगे किसी और सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में, और अगर आपको वहाँ पर जो है कि एडमिशन हमारी वजह से मिल सकता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जहाँ तक मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर जो है कि आपको फीसेज वगैरह जो है कि देनी पड़ती हैं, वहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो फीसेज है वो तो आपको हर हाल में देनी ही देनी है, लेकिन बाद में जो है कि आपकी वो तालीम देखते हैं, आपका जो है कि बिहेवियर वगैरह ये सब चीज़ें वो देखते हैं, और फिर इस हवाले से जो है कि आपको वहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं तो आपका वहाँ पर भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ये इंजीनियरिंग की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, और आप बिल्कुल डिले ना करें अगर आप एडमिशन वहाँ पे चाहते हैं, जो रिपीट वाले स्टूडेंट हैं और या जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तमाम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुद सर्च कर सकते हैं वहाँ पर गूगल के ऊपर या किसी भी ऊपर, और कोई जो है कि आपको एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ कर जो है कि आप यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली तौर पर आपका इंटरव्यू होगा, एजेंट एवरीथिंग जो है कि वहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए। सबसे पहले जो है कि मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही अर्जेंट जो स्टूडेंट्स उनको रिक्वायर हैं, या जहाँ जहाँ पे जो है कि कुछ अभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज वगैरह ने जो है कि ऑफर वगैरह हैं बड़ी स्कॉलरशिप के हवाले से, तो सबसे पहले जो है कि स्कूल ऑफ नर्सिंग है वहाँ पर, मतलब ये नर्सिंग वाला जो कम्प्लीट कोर्स होता है इसके हवाले से मैं आपको जो है कि यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊँगा, वो जब आप अगर बाद में कंटेक्ट करेंगे या कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ पर जो है कि देख सकते हैं। चाइना से रिलेटेड ये ऊपर आप लिंक देख रहे हैं जो मेरा वहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन होगी, तो बहुत ही खूबसूरत जो है कि कंट्री है चाइना। इसके अलावा जनाब स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये कम्प्लीटली तौर पर जनाब फ्री फुली फंडेड जो है कि स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये भी जनाब आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, फिर स्कूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट है, फिर स्कूल ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग है, फिर स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर स्कूल ऑफ आर्ट्स है, इसमें मेडिकल के हवाले से सिर्फ जो है ना स्कूल ऑफ नर्सिंग है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली तौर पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है जनाब अवेलेबल हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो अपनी तरफ से और मज़ीद
जो है कि मेरे पास अगर टाइम नहीं होगा तो मैं यूनिवर्सिटी के साथ जो है कि आपको डायरेक्ट करा दूंगा, तो आप खुद जो है कि वहाँ जाकर एडमिशन वगैरह आपका हो जाएगा। बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होंगी तो मैं इंशाल्लाह आपकी कंप्लीटली तौर पर हेल्प करूँगा। लैंग्वेज की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ फील्ड्स मैंने आपके सामने जो है कि आपको बता दी हैं। अभी स्टार्ट है सितंबर इनटेक के लिए, ये एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो ये जो है कि सितंबर में बाकायदा आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मार्च इनटेक जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और मार्च अभी तो अप्रैल जा रहा है, तो अभी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर एडमिशन ओपन हो रहे हैं। मेडिकल के हवाले से भी अगर स्कॉलरशिप आएंगी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अब फिल वक्त ये सब कुछ है आपके सामने जो मैंने शेयर कर दिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।